कांग्रेस प्रणाली और उसके तहत आज एक बिल्कुल अलग तरह का विषय हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कांग्रेस प्रणाली कांग्रेस वही कांग्रेस की बात हो रही है जो भारत में बहुत वर्षों तक केंद्रीय सत्ता में रही जिसकी कई सरकारें रहीं वही कांग्रेस पार्टी जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल की घटनाओं क्रम में जानते हैं वही राष्ट्रीय कांग्रेस वही कांग्रेस जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सरदार पटेल जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को दिशा दी वही कांग्रेस जिसने 1947 से उन्नीस सड़सठ तक अबाध गति से केंद्र में अपनी सरकार बनाई और देश को आर्थिक मामलों में विदेशी मामलों में और अन्य सभी मामलों में एक दिशा दी क्योंकि कांग्रेस का इतिहास भारत के उन्नीसवीं शताब्दी के इतिहास से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसलिए कांग्रेस क्या थी कैसी संस्था थी कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसने देश में शासन किया इसका अध्ययन जरूरी हो गया है अपरिहार्य हो गया है कांग्रेस प्रणाली को समझना इसलिए जरूरी है कि हम ये जानेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला दल राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल कैसे अपने को एक राजनीतिक दल के रूप में बदलता है और फिर निर्बाध गति से लगभग पचास वर्षों तक शासन करता है और यदि पचास नहीं तो कम से कम तीस पैंतीस वर्ष तो केवल कांग्रेस के काल के रूप में ही जाने जाते हैं। इसलिए हमारा विषय आज की राजनीति को भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है और वह है कांग्रेस प्रणाली कांग्रेस प्रणाली को जानने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ इस विषय का विस्तार से हमने अध्ययन तो कर लिया है एक पिछले अध्याय में जिसका नाम है एवल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया दलों का विकास राजनैतिक दलों का भारत में विकास या अध्याय हमारे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्याय है और उसी के तारतम्य में ये अगला अध्याय है कांग्रेस प्रणाली और उसकी भूमिका तो थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति बहुत संक्षिप्त में करें ये समझने के लिए कि आखिर भारत में राजनीतिक दलों का जो विकास हुआ अट्ठारह में 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और उसके बाद राजनीतिक दल आते हैं तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल पहले से बहुत सारे थे और ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक दल स्वतंत्रता के बाद तुरंत एक साथ बहुत सारे दलों का जन्म हुआ तो राजनीतिक दलों के विकास की यदि बात करें थोड़ा उसको समझना जरूरी है दो भागों में उसे हम बांट सकते हैं पहला ब्रिटिश काल में राजनीतिक दल भारत में और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल यदि हम ब्रिटिश काल के राजनीतिक दलों के विकास की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना अट्ठारह ये हम सब जानते हैं इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों में इसका जिक्र हुआ है और इस प्रकार ब्रिटिश काल में ये प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक दल स्थापित होता है इसके बाद मुस्लिम लीग आता है 1906 जो पाकिस्तान के विचार को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होता है और अंत भारत का बंटवारा होता है तो दूसरा दल मुस्लिम लीग 1906 हिंदू महासभा 1916 और अकाली दल 1920 अकाली दल वह दल है जिसने पंजाब में अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखी है जैसा कि शब्द से स्पष्ट है अकाली दल यह मूलतः पंजाब का दल है और एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है इसने वर्तमान में भी काफ़ी समय तक स्वतंत्रता के बाद पंजाब की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई है और अपनी सरकारें भी चलाई हैं फिर उसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है वह एक राजनीतिक दल है हम लोग सुभाष चंद्र बोस को इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने एक सेना की स्थापना की थी आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज हमें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना से पूर्व एक राजनीतिक दल भी बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसा गुट जो आगे देखता हो समय से आगे देखने वाला गुट फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर उसके बाद एक दो पार्टियां और आईं जो क्षेत्रीय रहीं सो so, यहाँ तक हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व के पार्टियों का विकास 1885 से 1938 कुछ और पार्टियाँ आई जिसका आपने अध्ययन उस अध्याय में किया होगा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ पूर्व में अब स्वतंत्रता के बाद की आई हुई पार्टियों की यदि बात करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी तो थी ही और साम्यवादी दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है दो ही पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की आती हैं साम्यवादी दल ऐसा कुछ हुआ कि स्वतंत्रता के बाद कई नए दल सामने आए और ये नए दल जब सामने आते हैं तो एक तरीके से लोगों का एक दल छोड़कर दूसरे दल में आना जाना और विचारों का ध्रुवीकरण होता है दलों का विभाजन होता है और एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चलती है जिसमें सबसे पहले राम राज परिषद उन्नीस उसके बाद फिर भारतीय जनसंघ का जिक्र करना यहाँ पे बहुत उचित होगा उन्नीस भारतीय जनसंघ उन्नीस सौ ये भारतीय जनसंघ ही है जिसको हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मूल पार्टी के रूप में देख सकते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में जो लोग थे वे बीजेपी के भी सदस्य बन रहे सो इस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना उन्नीस सौ इक्यावन फिर गो, राजगोपालाचार्य उन्होंने उन्नीस में एक दल की स्थापना की थी जो एक तरीके से क्षेत्रीय दल ही बना रहा उन्नीस में 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है 1969 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है और वह विभाजन दो पार्टियों में इंदिरा कांग्रेस जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी करती हैं और दूसरा संगठन कांग्रेस जिसमें कांग्रेस के पुराने नेता रहते हैं तो इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन पहली बार हम देखते हैं उन्नीस में होता है फिर उसके बाद और कई पार्टियाँ आई नए नए दल सामने आए और उन्नीस नवासी में जनता पार्टी लोक दल और जन मोर्चा जनता पार्टी जो जन, लोक दल और जन मोर्चा मिलकर जनता दल बनाते हैं और एक सरकार बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सब पार्टियों के विभाजन से जिसमें कांग्रेस का भी विभाजन शामिल है और उसके बाद हुए ध्रुवीकरण के परिणाम हैं जनता दल जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है लेकिन दुर्भाग्य से फिर टूट जाती है जनता पार्टी और जनता एस के रूप में और इस प्रकार भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण सतत रूप से चलता रहता है जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है 1947 से लेके 1990 तक की जो मैंने बात की जब पार्टियों का विभाजन पार्टियों का नई पार्टियों का उदयहारी हो रहा है उस काल के प्रारंभिक तीन दशकों के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है सतत रूप से कांग्रेस उन्नीस में पहले चुनाव होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि पहले आम चुनाव के नतीजों से किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ सब मान के चल रहे थे क्योंकि एक ही मुख्य पार्टी थी और कांग्रेस और वो कांग्रेस पर स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान का बहुत प्रभाव उस पर था तो इसलिए सबको मालूम था कि कांग्रेस उसमें जीतेगी और वह जीती भी बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव जो जनता पर था उसके परिणाम स्वरूप वो आगे के चुनाव भी जीतती है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं खुद पूरे देश का दौरा करते हैं और ये एकमात्र ऐसी पार्टी नजर आती है जो संगठित पार्टी थी राष्ट्रीय स्तर पर संगठित पार्टी थी तो उसके बाद भी उसके बाद फिर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की भारी जीत होती है इस पार्टी ने लोकसभा में पहले चुनाव में कुल तीन सौ सीटें जहां जीती वहीं दूसरे चुनाव में उसकी सीटों में कुछ थोड़ी सी कमी आई लेकिन कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ कहने का तात्पर्य है कि पहले तीन चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है ये जो प्रभुत्व है इसकी प्रकृति को थोड़ा सा हम समझ लें अर्थात किस ढंग से इसने अपना प्रभुत्व बनाया उसके लगभग सभी जगह तीन चौथाई स्थान मिलता है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के चुनाव हों सभी जगह एक ही दल स्वरूप केंद्र और सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की ही सरकारें रहती हैं तो बावन से सड़सठ ये जो पंद्रह वर्ष हैं इसमें कांग्रेस का वर्चस्व का काल हम कह सकते हैं कांग्रेस के वर्चस्व का काल और आ, एक दलीय प्रभुत्व का काल लेकिन यहां जो भारत में जो एक दलीय प्रभुत्व का काल है वह दूसरे देशों के एक दलीय प्रभुत्व के काल से थोड़ा अंतर है या वहां के एक दलीय प्रभुत्व की प्रकृति भारत में उन पंद्रह वर्षों में हुई एक दलीय शासन की प्रकृति से अलग थी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चीन क्यूबा और सीरिया यहाँ पे भी एक दल थे क्योंकि वहाँ दूसरे दलों के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति ही नहीं थी तो जब दूसरे दलों को भाग लेने की अनुमति नहीं तो चीन सीरिया क्यूबा आदि में एक ही दल का शासन रहेगा वह नेचुरल था लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक शासन की बात है कांग्रेस का वर्च एक दलीय शासन प्रणाली से भिन्न है यहाँ पर अन्य दलों को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी फिर भी ये बात अलग है कि विपक्षी दल जो हैं, वो अपनी शैशवावस्था में अपने नवजीवन काल में चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सके इसलिए भारतीय राजनीति पे कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि केवल एक ही दल को अनुमति थी बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से हासिल किया गया वर्चस्व इसे हम कह सकते हैं पूरे चुनाव चुनाव के पद्धति को अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हासिल की गई वर्चस्वता थी बिल्कुल अलग चीन क्यूबा सीरिया आदि से तो हम मैक्सिको की ओर देखें तो मैक्सिको में एक दल का शासन बहुत लंबे काल तक रहा पर यह भी अलग था लगभग लग साठ सालों तक वहाँ एक दल का शासन रहा और इस पार्टी की स्थापना मेक्सिको में उन्नीस सौ में हुई और शुरू में इसमें राजनेता सैनिक नेता मजदूर किसान आदि सब शामिल थे समय बीतने के साथ साथ आ, कुछ इसमें बदलाव आया और इसके बाद नियमित रूप से चुनाव हो रहे थे और हर बार एक ही पार्टी विजयी होती थी बाकी पार्टियां जो थी केवल नाम को मैं मेक्सिको की बात कर रहा हूं वहां पर एक ही पार्टी का शासन रहा दिखावे के लिए चुनाव हुए उस पार्टी में सभी वर्ग के लोग थे और विरोधी दल जो थे केवल नाम मात्र को थे। वो केवल इसलिए उनको विरोधी दल का रूप दिया गया था अनुमति दी गई थी ताकि एक तरीके से शासन दल को वैधता मिले इनके औचित्य को सरकार के औचित्य को सही ठहराया जा सके चुनाव के जो वहाँ नियम थे वो किस तरह बनाए गए थे कि जीत पक्की रहे रूलिंग पार्टी की जीत पक्की रहे रूलिंग पार्टी को मेक्सिको में उस समय शॉर्ट में कहा जाता पी आर आई चुनाव में फिर हेर फेर होता था धांधली होती थी और इतना ज्यादा धांधली और हेर फेर कि दुनिया में इस चुनावों को मेक्सिको में होने वाले चुनावों को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाने लगा यानी कहने को केवल विरोधी दल के अस्तित्व थे लेकिन वास्तव में तानाशाही थी परिपूर्ण तानाशाही अंत में सन 2000 में यह पार्टी पराजित हुई सन 2000 में ये पार्टी पराजित होती है ये दूसरे ढंग का उदाहरण है मेक्सिको का यहाँ पे केवल दिखावे के लिए कुछ विरोधी पार्टियों को खड़ा किया जाता है भारत में ऐसा नहीं भारत में कांग्रेस दल ने किसी तरह के चुनावी दाव पेच नहीं अपनाए चालाकियाँ नहीं की उसने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया और चुनाव जीता अपने दबदबे के दौर में यदि हम पीआरआई की बात करें तो उसने जो दांव पे चपना है वो कतई लोकतांत्रिक नहीं था उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता बल्कि इसका लोकतंत्र पे खराब असर पड़ा इसके विपरीत भारत के चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और पूर्ण रूपेण व्यवस्थित तरीके से हुए इसीलिए भारत में चुनाव व्यवस्था पर लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते गया अर्थात कहने का तात्पर्य कि ऊपर जो हमने दो उदाहरण बताया आपको चीन क्यूबा और उसके बाद मेक्सिको के वे भी ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ एक दल थे एक दल का वर्चस्व था लेकिन भारत में कांग्रेस दल की वर्चस्वता लोकतांत्रिक तरीके से हासिल हुई जबकि अन्य देशों में यह वर्चस्वता किसी अन्य हथकंडों के जरिए अपना मिली तो आखिर कांग्रेस की वर्चस्ता के कारण क्या चुनाव प्रणाली कुछ ऐसी थी निश्चित रूप से जिसमें उस दल को कुछ फ़ायदा मिल रहा था सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत मिल रही थी इसके मायने क्या हैं ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है आपको एक बस पुनरावृत्ति के तहत आप याद रखें कि चुनाव प्रणाली ने कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी को मदद की उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में इस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में वास्तव में देखा जाए तो यही एकमात्र पार्टी थी जिसके बैनर तले पूरे देश के लोग आंदोलन कर रहे थे और जब स्वतंत्र होते हैं तो लोग उस पार्टी को वह उस पार्टी के रूप में देखते हैं कांग्रेस पार्टी को जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई तो एक तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी और इसलिए उसका फ़ायदा कांग्रेस को बारम्बार मिलता रहा तीसरा वर्चस्व का कारण वर्चस्व का तीसरा कारण था जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया नेहरू की उपस्थिति और उनका पूरा देशव्यापी दौरा और साथ ही कांग्रेस का संगठन संगठनात्मक स्ट्रक्चर ढांचा संगठनात्मक ढांचा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था पूरा व्यवस्थित इसका ढांचा था जिसका उसको बहुत फ़ायदा मिला उसके जो कार्यालय थे उसके जो इकाइयाँ थीं वो प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर और यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर तक फैली हुई थी ये जो इकाइयाँ थीं वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से स्थापित हो गई थी अब इन्होंने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इकाइयों के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस की वर्चस्वता का हम कह सकते हैं व्यापक सामाजिक समर्थन व्यापक सामाजिक समर्थन से तात्पर्य कि वह पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान करती है उससे समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े धर्म जाति आर्थिक स्तर महिला पुरुष सभी पहलुओं को हम देखें तो आप पाएंगे कि भारी संख्या में सभी वर्ग के लोग का कांग्रेस पर विश्वास था और उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला और अंतिम यदि मैं बात करूं विरोधी दल तो थे ही नहीं उन्नीस में जब भारत स्वतंत्र होता है तो नाम मात्र को एक आध दल रहते हैं मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चला गया फॉरवर्ड ब्लॉक रहता है कम्युनिस्ट पार्टी रहती है ये बड़े क्षेत्रीय दल रहते हैं और कुछ नए दल जो हिंदू महासभा के साथ जन्म लेते हैं आते हैं ये दल सारे अपनी शैशवावस्था में थे इनको लोकतांत्रिक राजनीति का अनुभव ही नहीं था और न ही संगठनात्मक अनुभव था निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में इन लोगों की स्थिति कांग्रेस के सामने बहुत ही बदतर थी और उस हद तक कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा मिला और उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और इसलिए अपनी वर्चस्वता बनाए रखी कांग्रेस की प्रभुत्वता के कारणों कांग्रेस की वर्चस्वता के कारणों को संसद में जाने के बाद थोड़ा सा हम देखें हम पाएंगे कि जो प्रभुत्व था राज्य स्तर पर असमान था पहले तीन आम चुनाव में वर्चस्वता की बात करें तो एक बहुत अहम बिंदु जो कांग्रेस की को अपना वर्चस्व बनाए रखने में मददगार होता है वह है कांग्रेस एक और जहां एक विशाल वृक्ष था समय की दृष्टि से भी वो बहुत विशाल हो चुका था उसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली गई थी वहीं दूसरी ओर वह सामाजिक दृष्टि से भी बहुत विशाल था क्योंकि समाज का हर तबका कांग्रेस से जुड़ा था क्योंकि वो कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तो करने वाले दल के रूप में देखता था दूसरी ओर हम पाते हैं कि कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल स्वतंत्रता के बाद जो आते हैं उदित होते हैं ये बिल्कुल शैशवावस्था में रहते हैं नवजात शिशु की तरह उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति का कोई अनुभव नहीं और ना ही उनकी कोई संगठनात्मक प्रणाली थी ना ही उनकी कोई संगठनात्मक क्षमता थी इसलिए भारतीय लोकतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में हम पाते हैं कि इन दलों का प्रभाव नहीं के बराबर था बहुत कमज़ोर था शून्य था और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला इस दृष्टि से कांग्रेस के वर्चस्व काल में विपक्षी दलों की शैशवावस्था ने या विपक्षी दलों ने अपने काल में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक और जहां केंद्र में सतत रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर पर सतत रूप से कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस प्रणाली एक दौर ऐसा आता है जब क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां उदित होती हैं वे अपना प्रभाव बढ़ाने लगती हैं कांग्रेस पार्टी शुरू के आम चुनाव में केंद्र में जीतती है और पूरे देश के सभी राज्यों में लगभग उसकी सरकार बनती है उसी की प्रधानता रहती है लेकिन अंदर ही अंदर क्षेत्रीय दलों का भी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी बढ़ रहा था यदि हम बात करें तो त्रावणकोर कोचिन मद्रास उड़ीसा यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला इसके बावजूद सरकार कांग्रेस की बनी आने वाले समय में कांग्रेस का जनाधार जो है वो हम देखते हैं कि प्रांतीय स्तर पर धीरे धीरे, धीरे घटता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अकाली दल द्रविड़ मुनेत्र कजगम ब्राह्मणवादी जस्टिस पार्टी ई एम एस नम्बूपात की ई एम एस पात की कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल में आती है आदि आदि ऐसे कई उदाहरण तो क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव होता है और उनका प्रभाव बढ़ता है यद्यपि वे राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं होती पर क्षेत्रीय स्तर पर वो अपना अपनी सरकारें बनाने में सफल हो जाती हैं इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में अपने को स्वतंत्रता के बाद बदल लेता है वह एक जनव्यापी राजनीतिक दल बन जाता है जनव्यापी अट्ठारह में उसकी स्थापना होती है कांग्रेस की और मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के सामने अपने अनुरोध रखना समाज के सभी तब तबकों के लोगों का अनुरोध रखना उसमें शुरू में शिक्षित वर्ग ही शामिल होता है पर बाद में विभिन्न आंदोलनों के जरिए चाहे वो गांधी के आंदोलन हो चाहे अमिंथा विना अवज्ञा आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आदि आदि ये सब कांग्रेस को एक संगठनात्मक मजबूती देता है ये जो आंदोलन होते हैं और जाति पात से उठ के पुरुष महिला की भावनाओं से उठकर अमीर गरीबी के भावनाओं से उठकर चाहे वो किसान हो मजदूर हो युवा महिलाएं सभी इसमें शामिल होते हैं तो इस प्रकार ये एक जनव्यापी राजनैतिक दल का रूप लेता है और स्वतंत्रता के बाद इसका वही रूप बना रहता है इसके साथ ही सामाजिक संगठन तो इसका मजबूत था ही और इसलिए सामाजिक गठबंधन भी इसका मजबूत था सामाजिक गठबंधन से मायने हैं कि इसमें हम नवशिक्षित कामकाजी व्यापारिक वक वर्ग जो शुरू में इसके मुख्य आ, सदस्य थे अब हम पाते हैं कि समय के साथ साथ ये परस्पर विरोधी गुटों का भी समूह बन गया था परस्पर विरोधी समूहों का भी दल बन गया था अर्थात उद्योगपति भी थे तो गरीब लोग भी थे मजदूर भी थे अमीर भी थे तो गरीब लोग भी थे शहरी हो ग्रामीण हो, स्वामी हो मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय शिक्षित अशिक्षित किसान सब लोग इससे जुड़ने लगे और इस प्रकार कांग्रेस ने एक सामाजिक गठबंधन गठबंधन का रूप धारण कर लिया संगठनात्मक मजबूती तो थी ही एक गठबंधन भी हो गया और ये सामाजिक और इस गठबंधन के रूप में वो पूरे भारत को एक तरीके से समस्त भारत प्रतिनिधित्व करने का की पात्रता रखता था और यह बहुत बड़ी, बड़ी बात थी उस पार्टी के लिए विचारात्मक दृष्टि से यदि बात करें कांग्रेस की विचारधारा की तो कांग्रेस की विचारधारा जो भी थी अन्य दलों में जो लोग गए कांग्रेस छोड़कर ये कांग्रेस की विचारधारा से मूल रूप से प्रभावित थे और कुछ क्षेत्रीय कारणों से बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और नए दलों की स्थापना की अर्थात कांग्रेस की विचारधारा से ही अन्य दलों का भी उद्भव हुआ था कांग्रेस में विभिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे देखिए प्रारंभ में कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी तरह के नेता थे सभी तरह के लोग शामिल थे चाहे वो क्रांतिकारी हों चाहे शांतिवादी हों गरम पंथी भी थे तिलक के रूप में लाल बाल पाल नरम पंथी भी थे बलव मेहता और फिरोज शाह मेहता और प्रारंभ के दादा भाई नौरोजी ये सब नेता उसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में हम देखें तो बैनर तले कार्य कर रहे थे शांतिवादी लोग भी थे जिसमें हम गिन सकते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास सी दास आदि को उदारवादी रूढ़िवादी, दक्षिणपंथी वामपंथी रेडिकल्स और मध्यम वर्ग सभी लोगों का इसमें मिश्रण था ये सब अलग अलग विचारधाराएं हैं पर ये सारी विचारधाराएं एक छाते के तहत एकत्रित हो गई थी ये विचारधारात्मक गठबंधन था इस बात को आपको समझना है और इसी के कारण ये गठबंधन जब तक चलता रहा कांग्रेस एकजुट रही उन्नीस सौ सड़सठ के बाद यह गठबंधन टूटता है टूटना शुरू होता है जिसके कारण पार्टी में विभाजन शुरू होता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्नीस सौ सड़सठ तक विभिन्न विचारों के होने के बावजूद पार्टी एक गठबंधन के रूप में कायम रही और इन गुटों में तालमेल भी रहा इन गुटों में सहनशीलता भी रही कई बार कांग्रेस को सुलह और समझौते का रास्ता भी अपनाना पड़ा मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता करना पड़ा आदि आदि तो कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि इसमें सहनशीलता कूट कूट के भरी थी कांग्रेस दल में कभी भी किसी भी प्रश्न या मुद्दे पर विचार होता था तो प्रत्येक सदस्य को कहने का अवसर दिया जाता था सहनशीलता की बड़ी भावना कूट कूट कर होना और ये सहनशीलता चाहे आवश्यकता थी या सहनशीलता उनकी प्रकृति में थी ये दूसरा मुद्दा हो सकता है पर तथ्य तो ये है कि कांग्रेस अपने प्रारंभिक दिनों से ही सहिष्णुता और सहनशीलता का एक प्रतीक बनी हुई थी मुस्लिम लीग को जिसने सहा अनेक वर्षों तक उस वो सहनशीलता का ही परम उदाहरण है विरोधी विचारों को ध्यान से सुनना उसके उसकी प्रकृति में था राष्ट्रीय आंदोलन के काल में भी आप पाएंगे कि बहुत से विरोधी विचार गांधी विरोधी विचार या सरदार पटेल विरोधी विचार या आ, आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस विरोधी विचार नेहरू विरोधी विचार ये विचार भी कांग्रेस के अंदर पनपते थे लेकिन इनकी अभिव्यक्ति के लिए विरोधियों को पूरा मौका दिया होता तो कांग्रेस में सहनशीलता की भावना के कारण विपक्षी नेताओं की बातों और तर्कों को ध्यान और सम्मान से सुनने का उसमें एक जज्बा था तजुर्बा था और विपक्षी नेता भी कांग्रेस नेताओं और सरकार को सम्मान देते थे चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले जो उन्नीस के बाद बढ़ गई कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और कहना नहीं कहना नहीं होगी कि उसने विपक्ष की भूमिका भी निभाई इस बिंदु को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें शासक की भूमिका और विपक्ष की भूमिका दोनों भूमिकाओं में कांग्रेस ने एक अदबखूबी अपनी भूमिका निभाई और इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली का कालखंड कहा जाता है कांग्रेस प्रणाली का कालखंड कहा जाता है तो इस प्रकार अब हम ये समझ गए हैं कि कांग्रेस प्रणाली के कालखंड से क्या तात्पर्य है पृष्ठभूमि हम समझ गए हैं विभिन्न दलों की विकास गाथा समझ गए हैं और कांग्रेस प्रणाली के क्या मायने हैं इसका मूल हम समझ गए हैं अब हम कांग्रेस प्रणाली को लेकर अपने इस अध्याय के अध्ययन की ओर आगे बढ़ें एक पंक्ति में यदि हम बोलें कांग्रेस प्रणाली तो इसका अर्थ ऐसा कुछ होगा कांग्रेस प्रणाली अर्थात सहिष्णुता की चरम सीमा वाला दल